तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ लारावेल में कि कैसे आप अपने डेटाबेस का डेटा अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल जो चल रहे हैं उसमें बता दिया है कि कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे डिलीट करना है डेटा, जो कि आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो हमारा पिछला जो एग्जाम्पल था वो ये था कि हमने यहाँ पे सो नाम का एक URL पास किया था जिसमें हमें डेटा सिलेक्ट हो रहा था, डिलीट भी कर रहे थे तो डिलीट हो रहा था। आज हम देखने वाले हैं अपडेट कैसे करने वाले हैं किसी भी डेटा को। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्लेड फाइल में आएंगे तो एक्शन जहाँ पे हमने डिलीट लगाया हुआ है वहीं पर हम क्या करने वाले हैं, अपडेट लगाने वाले हैं। ठीक है, मैंने कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ। तो डिलीट की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपडेट, एंड देन URL को मैं ID जरूर पास करूंगा, पर यहाँ पर जो URL रहेगा वो मेरा अपडेट रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है अपडेट पास कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अपडेट पास करने के बाद अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, पर हम मैं क्या करता हूँ इसे ना एक ही उसमें रखता हूँ TD में, जिससे कि मेरा कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा जो TD है उसमें मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन इसको भी नीचे कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको। तो देख सकते हैं हमारा जो है डिलीट एंड अपडेट सही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हमारा चल रहा है, आंसू डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं अपडेट की बात करूंगा तो अगर मैं अपडेट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ये URL पर जा रहा है। ठीक है, अब ये URL हमें सेटअप करना होगा तो हम जाते हैं web.php में एंड देन यहाँ पर एक राउटर बनाते हैं। तो जो मेरा गेट डिलीट वाला है वो उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिलीट की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा अपडेट, क्योंकि मेरे जो URL में आ रहा है वो अपडेट आ रहा है। ठीक है, अपडेट और ID मेरी जैसा कि मैंने आपको बताई हम क्यों लगा रहे होते हैं, जब भी हमें यहाँ से अगर कोई डायनेमिक वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये पास कर देते हैं, और जो कि आप अपने मेथड में गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डिलीट टीचर की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा अपडेट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ अपडेट टीचर एंड देन अपडेट टीचर नाम का एक मेथड बनाऊंगा मैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सिंपल ऊपर वाले को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, इसका मेथड चेंज कर देता हूँ अपडेट टीचर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एक व्यू बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो यहाँ से डेटा को रिटर्न करा लेता हूँ जो भी मुझे डेटा चाहिए। तो मैं चाहूंगा डेटा नाम के वेरिएबल में क्या हो, टीचर नाम की जो टेबल है हमारी, सॉरी मॉडल है, उसमें से क्या हो जो हमारा वही डेटा निकले जो ID आ रही है। लाइक अगर यहाँ पे 1 ID आ रही है तो 1 का दिखे, अगर मैं यहाँ पर लाइक ये वाला भेजता हूँ तो इसकी आईडी है 13, तो 13 का दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वेयर कंडीशन पास करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं लगाऊंगा हाइफन सॉरी एरो गेट एंड देन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ क्या है, मेरा डेटाबेस में आईडी है, बेसिकली आईडी के बेस पर मैं गेट कर रहा हूँ। तो आईडी इक्वल क्या हुआ हमारा, ये क्या है हमारा $ID। ठीक है, तो $ID मैं यहाँ से पास कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ से रिटर्न करा के देख लेता हूँ मेरा डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न किया डेटा अपना। तो एक बार जो है मैं अपना प्रोजेक्ट जो है ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा जिससे कि मेरे कैसे वगैरह ना रहे। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर देखिए हिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे को वही डेटा मिल रहा है जो मैंने वहाँ से अपडेट पर क्लिक किया। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो मेरे को डेटा चाहिए था वो मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे डेटा आपको मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें हम उस पर डेटा भेजेंगे एंड देन वहाँ से जो है अपडेट होगा, यूजर अपडेट करेगा यूजर। तो हम यहाँ से एक फॉर्म बना लेते हैं लाइक update.blade.php। ये हमारा व्यू रहेगा जिसमें हमारा क्या आने वाला है, अपडेट डेट अपडेट टीचर, इसकी मैं हेडिंग रख लेता हूँ। और एक यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म में क्या रखने वाला हूँ, एक्शन मेरा यहीं पर रहेगा जो अपडेट रहेगा हमारा। ठीक है, लाइक मैं या तो अपडेट किसी और पर भी भेज सकता हूँ, मैं यहाँ पर भेजूंगा अपडेट टीचर। ठीक है, मैं यहाँ पर जो URL सेंड कर रहा हूँ अपडेट कर रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ अपडेट एंड देन हाइफन टीचर। ठीक है, ये मैंने एक्शन पास करा है एंड देन मेथड में आप रख सकते हैं पोस्ट, पोस्ट ही रखें ज़्यादातर एंड देन मैं यहाँ पर क्या है @CSRF जरूर टोकन पास करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी बताया क्यों यूज़ करते हैं हम एंड देन मेरा जो है यहाँ पर बेसिकली मैं क्या क्या अपडेट करवाना चाहूँगा उससे नेम एंड ईमेल ही अपडेट करवाऊंगा, आईडी अपडेट करवाने की जरूरत नहीं होती हमें, नेम और ईमेल अपडेट करवाएंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे जिसमें नेम होगा हमारा नेम इज इक्वल टू नेम, प्लेस होल्डर रहेगा हमारा प्लेस होल्डर जिसमें हम क्या करने वाले हैं एंटर नेम, अगर वो बाय द वे नेम हटा देता है तो। ठीक
ठीक है, और यहाँ पर हम ईमेल भी डाल देते हैं, तो एंटर ईमेल, इन दोनों को हम करते हैं रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या पता यूज़र एम्प्टी भेजे डेटा को, इसलिए हम एम्प्टी नहीं भेजवाना चाहते। तो नेम ईमेल, एंड देन यहाँ पर भी नेम चेंज होगा, ईमेल कर देते हैं, एंड देन टेक्स्ट में भी हम ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर मैं रखूँगा एक बटन, क्योंकि होगा अपडेट, ठीक है, और ये मेरा बन चुका है व्यू। अब मैं जाऊँगा टीचर कंट्रोलर पर, जहाँ पर हमारा डेटा हमने रिटर्न करवाया था, वहाँ से क्या करेंगे हम इस डेटा को व्यू पर रिटर्न करवा देंगे। तो व्यू हमारा है क्या, अपडेट, ठीक है, अपडेट व्यू है हमारा, उस पर हम डेटा भेजेंगे। लाइक जो हमारा डेटा है वो कैसे जाएगा हमारा, लाइक यहाँ से मैं भेज देता हूँ टीचर, ठीक है, टीचर एरो लगाई मैंने, एंड देन डॉलर डेटा, ठीक है, इतना काम आपको करना है, और अपडेट पर जो है आपको डेटा मिल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हम ना बी आर टैग और लगा देते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा नीचे सो हो, तो बी आर मैं दोनों जगह लगा देता हूँ, एंड देन सो करता हूँ, ठीक है, अब सही सो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैं इनकी ना वैल्यूज में क्या कर दूंगा, जो हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो डेटा क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे टीचर्स में आ रहा है डेटा ही रहा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो डॉलर टीचर में जो डेटा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ ऊपर डॉलर टीचर, लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आर कराता हूँ पी एच पी एंड देन प्रिंट आर, ठीक है, आप बिना पी एच पी टैग के भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्या है हमारा टीचर, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर करता हूँ डॉलर टीचर, तो देख सकते हैं गाइस इतना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर ही क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट द रेट फोर ईच लगाएंगे, और हम यहाँ पर पहले ही ऊपर गेट कर लेंगे उसका नेम क्या है, ईमेल क्या है, ठीक है, एट द रेट एंड फोर ईच। तो मैं यहाँ पर ना दो वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा, तो मैं पी एच पी टैग का यूज़ करूँगा, बेसिकली मैं ऐसे नहीं डिफाइन कर सकता। तो डॉलर नेम में क्या होगा अभी हमारा एम्प्टी, एंड देन सेम हमारा ईमेल में होगा, ठीक है, ईमेल में भी मैंने सेम एम्प्टी किया, और जो हमारा डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है डॉलर टीचर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एट द रेट फोर ईच में डॉलर टीचर एज डॉलर डेटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है डॉलर नेम में जो है असाइन कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैं पी एच पी टैग यूज करूंगा, वरना यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रिंट करा देगा मेरा। तो डॉलर नेम इक्वल डॉलर डेटा नेम, एंड देन कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पर मैं ईमेल यूज करूंगा, एंड देन यहाँ से मैं ईमेल ले लूंगा, ठीक है, इतना काम मैंने करा लिया, ठीक है। और इतना काम कराने के बाद मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज में पास कर दूंगा डॉलर नेम, एंड देन यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगा, इसकी वैल्यू में डालूंगा, ईमेल की वैल्यू में डाल दूंगा अपनी ईमेल, ईमेल वेरिएबल, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर रिफ्रेश करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेटा मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से सो पर जाता हूँ, अब मान के चलिए मैं यहाँ से घनश्याम को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो घनश्याम नेम आया, घनश्याम की ईमेल आई, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ से अपडेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं अपडेट पर क्लिक किया हूँ यहाँ से, तो अभी जो है हमारा जो है राउटर सेट नहीं है, तो अब हमें राउटर सेट करना होगा, तो हमारा जो है बेसिकली अपडेट टीचर पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अपडेट आ रहा है इसको हमें हटाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करें, जो है हमने यहाँ पर यू आर एल में जो है स्लैश नहीं लगाया इसलिए, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, उधर जाऊंगा बैक पेज में, एंड देन रिफ्रेश करूंगा, अब करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए अब बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है अपडेट टीचर, ठीक है। तो अब क्या करें, जब भी आप यहाँ से अपडेट करोगे, तो आप क्या करें यहाँ से हिडन में क्या करें, इनपुट टाइप हिडन ले लें, यहाँ से एक आईडी सेंड करेंगे आप यहाँ से, तो मैं इनपुट टाइप हिडन ले लेता हूँ, जिसमें क्या होगी मेरी नेम, आईडी होगी, वैल्यू क्या होगी मेरी, जो मैं यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर आईडी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड देन आईडी मैं यहाँ पर असाइन करा देता हूँ टॉप पर ही, डॉलर आईडी इक्वल, तो जो डेटा में आ रही है वो हमारी आईडी भी आ रही होगी डॉलर डेटा आईडी, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो डॉलर आईडी मैंने यहाँ पर
प्रिंट करा देता हूँ हिडन में, क्योंकि हमें जो है अपडेट करने के लिए डेटा को आईडी भेजना जरूरी है। तो आईडी आ चुकी है हमारी, एंड देन मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, हिडन फील्ड जो है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो कि हमने पास किया हुआ है यहाँ से। तो फॉर्म के अंदर देख सकते हैं हिडन में आईडी आ रही है 14, तो इसी के बेस पर हम यहाँ से डेटा को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अपडेट टीचर के यूआरएल अब हम बनाते हैं अपडेट टीचर का, तो चार्जिंग लग गया, एंड देन अपडेट टीचर का यूआरएल हम सेट करते हैं अपने राउटर में, ठीक है। तो ये आ रहा है पोस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल कॉपी किया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है आपने बना रखा है अपडेट टी, यहाँ पर पोस्ट लगाएं पहले गेट की जगह, एंड देन आपका जो यूआरएल है वो क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेट टीचर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, इस सब को हटा दें, एंड देन अपडेट टीचर मैंने पास कर दिया, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपडेट टीचर डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल मेथड बना दिया अपडेट टीचर डेटा, ठीक है, सॉरी कॉपी किया, सेव किया, अब गया मैं कंट्रोलर में, एंड देन यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, पब्लिक फंक्शन, जिसका नेम रहेगा अपडेट टीचर डेटा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर यूज करना होगा, तो रिक्वेस्ट एंड देन डॉलर आर ई क्यू यू एस टी, रिक्वेस्ट क्लास आप यूज कर रहे होते हैं बेसिकली यहाँ पर, जब भी आपको फॉर्म से डेटा चाहिए होता है। आई होप कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स देखे होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डॉलर आई डी जो आ रही है जो टीचर क्लास है उसमें चेक करूंगा कि उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं वो आई डी, तो डॉलर टीचर फाइंड, तो आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, डॉलर रिक्वेस्ट में जो आपकी आईडी आ रही है, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन आईडी, आईडी आपको मिल गई जो आपकी यहाँ पर आ रही थी बेसिकली। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से अपडेट वाले में, जहाँ पे आपने हिडन में सेट की ये रही आईडी, ठीक है, नेम जो आपने दिया, तो ये आईडी आपकी आ गई। यहाँ से आप क्या है ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, डॉलर टीचर का ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड देन आप क्या करने वाले हैं, अब इसको अपडेट, अपडेट कैसे करेंगे, डॉलर टीचर नेम इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, क्योंकि आपने यहाँ से नेम पास किया हुआ है, ठीक है, इसका नेम, एंड देन ईमेल भी है आपकी, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड देन ईमेल, और ईमेल में ईमेल, एंड देन मैं क्या करूँगा, डॉलर टीचर को जो है अब सेव करा दूंगा, डॉलर टीचर सेव कराया मैंने, एंड देन मैं यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट कर दूंगा, कहाँ पर होगा हमारा, शो पर, ठीक है, स्लैश शो, जहाँ पर अब हमारा डेटा शो हो जाएगा, ठीक है, अपडेट होने के बाद। अभी देखिए सबसे पहले आपको ना अभी यहाँ पर एरर आने वाली है, ठीक है, वो एरर क्या आने वाली है वो मैं आपको खुद दिखाता हूँ, जब भी आपको समझ में आएगा। पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, एंड देन सर्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, एंड देन मैं अपडेट करता हूँ, तो आप देखिए आपको यहाँ पर देखिए एरर तो नहीं आई, चलो कोई नहीं, यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं अपडेट, लाइक मैं यहाँ पर घनश्याम सी करा मैंने, आ गई, ठीक है, यही मैं एरर आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि अभी आई नहीं थी वो एक बार में, क्योंकि हमारा ऑप्टिमाइज हो रहा था उस टाइम, अब ऑप्टिमाइज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जो एरर आई है वो देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, कॉलम नॉट फाउंड अननोन कॉलम टीचर्स अपडेटेड एट इन फील्ड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डेटाबेस में दिख रहा होगा कि नेम ईमेल है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट है नहीं, तो आपको जाना होगा अपने मॉडल में, इनको बंद करना होगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने मॉडल्स में, टीचर मॉडल है मेरा, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पब्लिक डॉलर टाइम्स टेम्प्स इक्वल फॉल्स कर दूंगा, टाइम्स टेम्प्स मैं इक्वल फॉल्स कर दिया मैंने, एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए अब आपका जो है अपडेट हो रहा है डाटा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेम चेंज कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ से पहला वाला रिकॉर्ड चेंज करता हूँ, लाइक सेकंड करता हूँ, ठीक है, राहुल शर्मा, एंड देन यहाँ पर मैं रख देता हूँ राहुल 0987, ठीक है। तो मैंने ये अपडेट की, एंड देन देख सकते हैं गाइस राहुल शर्मा हो गया यहाँ पे, और राहुल 0987786 हो गया, ठीक है। एंड देन लाइक सोनिया, एंड देन सोनिया को अपडेट करता हूँ, लाइक सोनिया शर्मा, एंड देन सोनिया 09876, ठीक है, एंड देन अपडेट। तो गाइज इसका भी डेटा अपडेट हो चुका है, एंड देन डिलीट करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से
डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट भी हो रहा है, परफेक्ट डिलीट हो रहा है। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्रैड ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे लारावेल की सीरीज में। आई होप कि आपने मजा लिया होगा, और आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड होने वाला है, आगे काफी कुछ होने वाला है, एपीआईज भी हम बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो यार शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और लाइक ठोकें। सो थैंक यू।